हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनय भंडारी। देखिए, आज हम कल के लिए निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं रह सकती हैं निफ्टी में। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्टडीज अभिनय भंडारी, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए लोग हैं, पुराने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्टडीज, इसमें जरूर जुड़िए, इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। और ये हमारा ब्लॉग है abhinayabhandari.blogspot.com, ये ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, और ये व्हाट्सअप नंबर है 9699646408। आप इसमें भी हमें व्हाट्सअप करके कुछ कॉन्टैक्ट, कुछ इंक्वायरी करना है तो कर सकते हैं। ओके, चलिए तो निफ्टी के ऑप्शन चाहे एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो देखिए, ये आ गए हम अपने चार्ट में। हम चले जाते हैं अपनी सेटिंग्स में, जो हमारी सेटिंग्स है, ये देखिए, ये हम आ गए अपनी सेटिंग में निफ्टी के चार्ट की। अब देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देखिए इस जगह पर बाय सिग्नल दिया है निफ्टी ने। ये इंट्राडे का चार्ट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए 15 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है। फिर ये देखिए, ये इसने अपना इंट्राडे में काम करके दिया है, मतलब बाय सिग्नल दिया तो उसने अपना प्रॉफिट निकाल के दिया है। तो जब भी इस तरह का सिग्नल हमें मिलता है तो वो हमारे को मोस्टली चांसेस ये रहते हैं कि हमारे को प्रॉफिट मिल जाए। तो ये इंट्राडे का सेटअप है, लेकिन हम करते हैं मोस्टली हेजिंग, तो हेजिंग के लिए हम जाएंगे डेली चार्ट में। ये देखिए डेली चार्ट में हम आ गए। अब डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने डेली चार्ट में भी अब मेरे को बाय सिग्नल दिया है, ये देखिए यहाँ पर। ओके, दिख रहा होगा आपको डेली चार्ट में बाय सिग्नल निफ्टी ने दे दिया है। अब अगर मैं काम करूँगा इसमें तो बाय करके काम कर सकता हूँ निफ्टी में, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूरा कंफर्मेशन के लिए, देखिए पूरे फुल कंफर्मेशन के लिए क्या है, हमारे को वीकली चार्ट भी देखेंगे एक बार। देखिए वीकली चार्ट में अभी तक बाय नहीं दिया है इसने, और मंथली में देखते हैं तो मंथली में भी बाय नहीं है, ना तो मंथली में बाय है ना वीकली में बाय है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपके। यहाँ देखिए डेली चार्ट में हमें बाय मिला है, तो डेली चार्ट में बाय मिला है तो भी हम जो ट्रेड लेंगे वो शॉर्ट पीरियड के हिसाब से लेंगे, मीन्स एक दो दिन के हिसाब से ले सकते हैं, दो चार दिन के हिसाब से ले सकते हैं, या इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड लेके काम किया जा सकता है। ओके, तो ये हो गया डेली चार्ट। अब डेली चार्ट में मेरे ये है 9123 का लो, और इधर है 9274। ओके, 9123 9004 9274। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जहां पर हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमने ट्रेड क्या लेना है। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं, ये देखिए हम एनएससी की साइट में आ गए। अब यहाँ 9580 पे क्लोजिंग दिया है, स्पॉट का क्लोजिंग है 9580। 4 जून की हमने ऑप्शन चेन ली है, तो 9100 के आसपास, सॉरी 9600 के आसपास हम चले जाते हैं। पहले कॉल साइड देख लेते हैं कि क्या हुआ है कॉल साइड में। यहाँ देखिए, ये आपको दिखेगा नया फ्रेश कॉल बाइंग है यहाँ पर 336,000। ये ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं यहाँ पर 611,000, लेकिन ये सब जो है ये फ्रेश बाइंग है। क्या है? फ्रेश बाइंग हुई है कॉल साइड में। ओके, कॉल साइड में फ्रेश बाइंग है, 310,000 है 9800 में, 99 में 39, 10,000 में 1,41,000। देखो 10,000, 10,000 तक की कॉल बाइंग हुई है, 10,000 तक की कॉल बाय हुई है। ओके, लेकिन पुट साइड का भी डेटा एक बार हम देखेंगे, थोड़ा कंफर्मेशन लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुट राइटिंग हुई है, यहाँ देखिए ये पुट राइटिंग है 9600 में, ये 9500 में पुट राइटिंग है 736,000,
9500 में, ये 9400 में 6,72,000, 3,55,000। ओके, देखिए बिल्कुल सिंपल इजी डेटा है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हमें पता चल रहा है क्या करना है हमने। ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ट्रेड हमने क्या लेना है। अब देखिए हम ट्रेड लेंगे निफ्टी में बाय का, क्या करेंगे निफ्टी बाय करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है ना कल तो भी हम बाय करेंगे। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम अपनी बात करें, आपको जो भी काम करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करिएगा हमेशा। जैसे कि आप जानते हैं वीडियो हम एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाते हैं, तो आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर से राय लेके करिएगा। तो यहाँ पर मेरे को बाय दिख रहा है निफ्टी, मेरे को अगर नीचे भी मिलेगा 100 पॉइंट 200 पॉइंट जितना भी ऊपर नीचे मिलेगा तो मैं बाय करूंगा ही करूंगा गैप डाउन में। और ऊपर की तरफ जो मेरा टारगेट रहेगा, अब ऊपर की तरफ का अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मेरा टारगेट रहेगा, देखिए मैं बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए अभी नहीं प्ले करूंगा क्योंकि मेरे को डेली चार्ट में बाय मिला है और वीकली चार्ट में मेरे बाय नहीं है, तो 9650 से 70 के बीच में, देखिए ये लेवल के बीच के लिए ही मैं बाय करना पसंद करूंगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। क्या रहेगा टारगेट, जब तक 97 के ऊपर नहीं निकलता है तो इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। और बाय करने की जो रेंज बनेगी वो बनेगी 9500 के आसपास, बाय हमें करना है 9500 के आसपास हमें मिलता है तभी बाय करना है। गैप अप ओपन होता है तो बाय नहीं करें क्योंकि वहां पे ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आप नीचे में ओपन होता है तो आपको एकदम श्योर है कि आपको एकदम मिल ही जाएगा, तो इसलिए 9500 के आसपास अगर निफ्टी ओपन हो तो बाय करेंगे। और टारगेट रहेगा 9650 के आसपास का, 9650 जो ये लेवल का मैं बता रहा हूँ इस लेवल के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो सिंपल है, कल के लिए मैं अगर नीचे ओपन होगा तो बाय करके काम करना पसंद करूंगा। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो पुराने हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगता है तो